हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिकली तीन पार्ट्स रहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री। अब इन तीनों को ही हम अलग अलग डिफरेंशिएट करके चलते हैं कि भाई हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम फिज़िकल में पढ़ते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जनरली हम इस चीज़ को डिस्कस करते ही हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है, बट इस बार हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जिसको भी ये चीज़ नहीं पता है वो मेरे से अलग से पूछ लेगा। हम अपना अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, फिज़िकल केमिस्ट्री में लास्ट ईयर में आपने दो टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में किया था। कौन कौन से टॉपिक थे वो आपके? एक फर्स्ट वन इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस बार भी आपके कुछ ऐसे ही कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिनको आप डिटेल में करोगे। और वो आपके टॉपिक्स कौन से हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, सेकेंड इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला, एंड लास्ट वन इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम सबसे लास्ट में करने वाले हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को देखिए, डिटेल में करने से पहले हमें कोई भी टॉपिक, क्वांटम मैकेनिक्स ही क्यों, कोई भी टॉपिक हमें करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, किस मोटिव के साथ पढ़ा जा रहा है, किस वजह से, मतलब क्या ऐसा रीज़न रहा है कि हमें इस टॉपिक पर आना पड़ा। क्योंकि आप केमिस्ट्री को बहुत वास्ट देखते हैं, इतना सब कुछ आप इसमें पढ़ चुके हो, बट अब इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की नीड क्यों पड़ रही है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और एज अ साइंस स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी नई टर्म हम सिर्फ तभी पढ़ते हैं जब हमारी लास्ट वाली टर्म जो है वो फेल हो चुकी हो या उनमें कोई लिमिटेशन मिल जाती है। तो वही हमें यहाँ से अपना एक पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए हम ये कहेंगे कि हमें अब क्वांटम मैकेनिक्स की नीड है। और क्वांटम को आप ये देखेंगे, आप इसको केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं और आप इसको फिज़िक्स में भी देखते हैं। फिज़िक्स में भी इसको काफ़ी डिटेल में किया जाता है और क्वांटम को हमारे केमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में किया जाता है। तो अब ये देख लो, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वास्ट भी है। हालांकि आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट ये बहुत वास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लस ये चीज़ भी रहेगी कि क्वांटम मैकेनिक्स के साथ आप क्वांटम वाला कंसेप्ट तो कर ही रहे हो, क्वांटम वाला टॉपिक तो आपका कवर हो गई, बट जो आपका थर्ड टॉपिक मैंने अभी बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसकी बहुत नीड होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका हर पॉइंट को डिटेल में किया जाता है। जब तक आपको क्वांटम के कंसेप्ट अच्छे से नहीं पता होंगे तब तक आप स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कर सकते। तो अपना क्वांटम वाला कंसेप्ट अच्छे से करेंगे हम। अब क्वांटम को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि इसको उठाया कहाँ से गया है, कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आए हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स मतलब कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है उसके बारे में उसकी स्टडी करना, वो चीज़ें हमारी होती हैं मैकेनिक्स में। अब देखो, ये जो टर्म मैंने बोली, जो ये लैंग्वेज मैंने बोली, दिस ये हमारा एक तरह से फिज़िक्स का पार्ट लग रहा है, केमिस्ट्री तो इसमें आई ही नहीं कहीं। अब आप कहोगे कि मैम मोशन और रेस्ट को तो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर किस चीज़ का रेस्ट और किस चीज़ का मोशन? हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जिनके भी बारे में हम बात करेंगे, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन होगा, उसी के बारे में आपका वो चीज़ रेस्ट पे है, वो चीज़ मोशन में है, मोशन में है तो उसमें चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं, वो चीज़ें ऑब्जर्व करना हमारा क्वांटम मैकेनिक्स इन केमिस्ट्री आ जाएगा। क्वांटम यहाँ पर हमारा न्यू जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है। अब न्यू जनरलाइजेशन को हम पढ़ने वाले हैं, न्यू मैकेनिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब कुछ पुरानी मैकेनिक्स भी रही होगी। पुरानी मैकेनिक्स इन द सेंस क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स आप पहले पढ़ चुके हो, ये नहीं है कि आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से पढ़ाया गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस को, कुछ इंफॉर्मेशंस को आपने पहले पढ़ा है और उसको आप जब वो चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं एज अ फेलियर सामने आई हैं तो उनको हमने क्लासिकल का नाम दे दिया, और जो चीज़ें हमारी आज तक चलती आ रही हैं उनको हमने क्वांटम का नाम दे दिया है। तो अब आपको ये देखना है क्लासिकली हमने चीज़ों को क्या पढ़ा है और क्वांटमली हम उन चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, पुराना सॉन्ग होता है, 90s का सॉन्ग है या उससे भी पुराना सॉन्ग है, तो आप उसको क्लासिकल की कैटेगरी में रखते हैं। क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं ना, पुराने सॉन्ग्स को आप किसकी कैटेगरी में रखते हो? क्लासिकल के सॉन्ग में, सॉरी क्लासिकल की कैटेगरी में। तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी है, जो आपका पुराने कंसेप्ट थे
वो आपके क्लासिकल के कंसेप्ट में जाएंगे और जो आपके नए कंसेप्ट हैं वो आपके क्वांटम के कंसेप्ट में आएंगे। अब मुझे ये बताइए, जो आप पुराने सॉन्ग सुनते थे क्या वो सही नहीं थे? सही तो वो भी थे ना, और कुछ लोगों को आज भी वो पसंद हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ें आज भी चल रही हैं। तो क्लासिकल आज भी चल रही है, क्लासिकल सॉन्ग्स आज भी चल रहे हैं। इसी तरह से आपकी केमिस्ट्री या आपका मैकेनिक्स जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो पुरानी है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो पुरानी है तो भी हमारे साथ चल रही है आज तक भी, और उसके कंसेप्ट्स को भी आज भी यूज़ किया जा रहा है, बट उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दी है, इस वजह से वो हमारा क्वांटम का पार्ट हो गया है। तो वो मॉडिफिकेशन इज़ द पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल को आप ये माइंड में लेके नहीं चलोगे, मैं बताऊँगी आपको अभी कि क्लासिकल के अंडर हमने किसको रखा हुआ है, बट आप क्लासिकल को ये मानकर नहीं चलेंगे कि क्लासिकल इज़ द रॉन्ग पॉइंट, कि क्लासिकल हमें रॉन्ग पॉइंट्स दे रहा है, वो उसको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि जो भी जिन चीज़ों को मैं क्लासिकल के अंडर रखूँगी, आप कहोगे मैम आज तक तो हम पढ़ते यही आए हैं, हमने कुछ नया तो इसके अलावा जो आप अब चीज़ें बताने वाले हो क्वांटम वाली, वो तो हमने पढ़ी ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हमने सब गलत पढ़ा है? वो गलत नहीं है, बट उसमें मॉडिफिकेशन है, और वो मॉडिफिकेशन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। सेम चीज़ जो आपने सॉन्ग सुने थे, वो सॉन्ग्स पुराने सॉन्ग्स थे, उनको सुनने में उस टाइम पे मज़ा आ रहा था, बट आगे आगे की जो जनरेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग न्यू सॉन्ग्स को जनरेट किया जा रहा है, न्यू सॉन्ग्स को बनाया जा रहा है, तो वो हमारे आज के लोगों को के लिए दिलचस्प रहे हैं। तो इसी पॉइंट से यहाँ पर आपको देखना है कि भाई आपके क्लासिकल कंसेप्ट जो हैं वो क्लासिकल हमारे साथ साथ आज भी चलते आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग आज भी क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हैं, तो क्लासिकल कंसेप्ट्स भी जो हैं वो आज भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हैं वो पॉइंट्स। तो इसी वजह से हम क्लासिकल के कंसेप्ट को भी साथ में लेके चलते हैं, बट उनमें कुछ कमियां रह गई थी जो कि हमारी क्वांटम ने कम्प्लीट कर दी हैं। अब आप अपने क्लासिकल वाले कंसेप्ट को देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स, कौन से मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रहे हो? देखो, आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इन दोनों कंसेप्ट्स पे आपके क्लासिकल कंसेप्ट मतलब मैकेनिक्स जो है वो काम कर रही थी। क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे काम कर रही थी, देखिए फर्स्ट पॉइंट आप उठाइए। फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप मोशन के बारे में पढ़ते हो, और मोशन किन का? क्या आपने एटम का मोशन के बारे में पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में? क्या आपने वहाँ पर पार्टिकल के मोशन की बात की थी? वहाँ आप ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे थे, जो कि हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, ना कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक आई थिंक इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी स्पीसीज़ को हम मैक्रोस्कोपिक की कैटेगरी में रखते हैं, और हमारी छोटी स्पीसीज़ को हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? माइक्रो की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारा जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, उसने ये जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, ये सारा का सारा किस पे काम कर रहा था? मैक्रो पर। मैक्रोस्कोपिक पर काम कर रहा था, बट जो मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स पर ये लॉज जो एप्लीकेबल थे, क्या वो गलत थे? गलत तो वो भी नहीं थे ना, वो किसी ना किसी बड़े ऑब्जेक्ट्स पर तो आज भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है एप्लीकेबल है। सेम चीज़ आप इस पे देखिए मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था? उन्होंने क्या कहा था कि भाई एनर्जी जो एमिट होती है या फिर अब्जॉर्ब होती है, तो वो हमारी किसी एक कॉन्टीन्यूसली फॉर्म में एग्जिस्ट मतलब सॉरी एमिट या अब्जॉर्ब होती है, कॉन्टीन्यूटी में एमिट होगी या कॉन्टीन्यूटी में अब्जॉर्ब होगी। उसने एक टर्म आपने पढ़ी है क्वांटा, वो क्वांटा की फॉर्म की बात नहीं करता है, कि वो क्वांटा की फॉर्म में हमारी एमिट या अब्जॉर्ब नहीं होती है। तो इस आपने टर्म पढ़ी होगी क्वांटा या फिर फोटोन, क्वांटा की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है, वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हो कि भाई एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स अपने कंसेप्ट को लेके चलती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो, आपने सबसे पहले जे थॉमसन रदरफोर्ड वगैरह की हेल्प से, इन सब की हेल्प से आपने क्या पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब एग्जिस्ट करते हैं, बट इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल स्टडी में आपने कुछ नहीं पढ़ा।
कि भाई वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, मीन्स ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो ट्रांजिशन किस तरह से करेगा, या वो आपने एक एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो उस टाइम पे वो कितनी एनर्जी को एमिट करता है या कितनी एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, या फिर वो सारी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में भी इसने डिटेल में स्टडी नहीं किया था। तो हमारे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आए और उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम अपने जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट रह गए थे, जो इन्होंने जिनको एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और वो क्या थे, वो सब आपके क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट रहेंगे। और वो आपके पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल में करोगे, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। बट हमें ये देखना है कि क्लासिकल ने उनको एक्सप्लेन नहीं किया या नहीं कर रही है या नहीं कर पाएगी, इस चीज़ का हमने रिजल्ट कैसे आउटपुट निकाला। तो वो हमारा किस बेसिस पे था कि सबसे पहले बात तो कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर ही स्टडी करती है, अपनी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी नहीं करती है। दूसरा, उसने एक आपने वो पढ़ा हुआ है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग जो है वो क्लासिकल कंसेप्ट का ही पार्ट है। हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग वेलोसिटी और मोमेंटम आपका दोनों एक साथ इकट्ठे जो है वो कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, साइमल्टेनियसली दोनों को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता विद सर्टेनिटी। बट आपका जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इन दोनों को, मतलब किसको किसको, वेलोसिटी को और मोमेंटम को, दोनों को हम एक साथ कॉन्टीन्यूटी साइमल्टेनियसली दोनों को एक